हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्ब्स, यानी वर्ब्स के प्रकार। क्या आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब का क्या रोल होता है? तो देखिए, बेसिक आइडिया क्या है, कोई भी वर्ब सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताती है या फिर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन के बारे में। अब मान लीजिए आपके सामने जैसे यहां पर दो सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस है ही इज क्यूट, वो प्यारा है। इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो कोई काम नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट किसी काम को नहीं कर रहा है, लेकिन इज का यूज करके आप ये बता रहे हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट स्टेट में है, यानी प्रेजेंट स्टेट में। और अगर यहां पर मैं इज की जगह वॉज का यूज करूं, मैं कहूं ही वॉज क्यूट, तो आप ये बताते हैं कि ही वॉज क्यूट, वो क्यूट था। कब था? बीते हुए कल में। और अगर मैं कहूं कि ही विल बी क्यूट, वो प्यारा होगा। होगा कब होगा? भविष्य में। तो या तो प्रेजेंट स्टेट या पास्ट स्टेट या फिर फ्यूचर स्टेट। और ठीक इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है ही इज रनिंग। इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान दें, वो दौड़ रहा है। यहां पर इज का यूज करके तो आपने बताया उसकी स्टेट के बारे में कि प्रेजेंट में। और रनिंग, रन मतलब दौड़ना, ये एक एक्शन वर्ब है, क्योंकि दौड़ते वक्त आपके हाथ पैर हिल रहे हैं, एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है मेरा सब्जेक्ट? दौड़ने के काम को कर रहा है, दौड़ने के एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो ये तो है बेसिक आइडिया। लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईएल्ट्स की तैयारी, टॉफल की तैयारी, या फिर एमबीए के लिए फॉरेन जाते हैं, कई स्टूडेंट्स जीमैट की तैयारी करते हैं, या फिर बैंकिंग की आप तैयारी करते हैं, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, उसके लिए आपको इन फॉर्म्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कई बार स्टूडेंट्स मुझे ये पूछते हैं कि स्पोकन इंग्लिश के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए क्या आपको टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में जानना जरूरी है? तो देखिए, यहां पर एक पॉइंट है, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन आप सही इंग्लिश बोलना चाहते हैं। मैं अक्सर आपको बताता हूं कि इंग्लिश बोलने के दो तरीके हैं, या तो आप किसी ऐसी कंट्री में हो जहां पर सभी आपके साथ दिन भर इंग्लिश में बात करते हो, ऐसे में आप सुन सुनकर भले ही ग्रामर पे आपकी पकड़ मजबूत ना हो, लेकिन आपको पता होगा कि इस वर्ड को यहां पर किस तरह से यूज करना है, सुन सुनकर आप सीख लेते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे एक छोटा बच्चा जब वो पैदा होता है तो उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन अपने मम्मी पापा को सुन सुनकर वो उस भाषा को सीख लेता है। लेकिन आप ये जानते हैं कि जिस कंट्री में आप रहते हैं वहां पर ऐसा संभव नहीं है कि दिन भर आप इंग्लिश को सुने, क्योंकि हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं है। इसलिए हमें सेंटेंसेस को फॉर्म करना पड़ता है, हमें पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए उसे किस तरह से बनाना है, और बनाने के लिए ग्रामर इंपॉर्टेंट है। और जब हम बात करते हैं वर्ब्स की, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, इसके साथ आप आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, तो आप ये कैसे समझेंगे जब तक आपको ये पता ना हो कि ये वर्ब स्टेटिव क्यों है? या फिर मैं आपसे कहूं कि ये वर्ब एक ट्रांसिटिव वर्ब है, तो आपने यहां पर ऑब्जेक्ट का यूज क्यों नहीं किया, आपने ऑब्जेक्ट मिस कर दिया, ये गलत है, तो आप कैसे समझेंगे इस बात को जब तक आपको ये ना पता हो कि ट्रांसिटिव वर्ब होती क्या है? और साथ ही साथ एक बात आप जान लीजिए कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इन फ्यूचर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने की जरूरत पड़ेगी, और वहां पर इन सभी का बहुत ही एक्सटेंसिव यूज होगा। वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले देखिए कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं, यहां पर आप सिर्फ सुनते जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे इस वीडियो लेक्चर में आप आगे बढ़ते जाएंगे सेंटेंसेस आपकी समझ में आने लगेंगे कि इस पर्टिकुलर वर्ब को क्यों किस कैटेगरी में डाला गया है। तो देखिए सेंटेंस आपके सामने है, सबसे पहला सेंटेंस है आई डू नॉट लाइक टू सी अ ब्रोकन विंडो। इस सेंटेंस का मतलब है मैं पसंद नहीं करता देखना एक टूटी हुई खिड़की को, मैं एक टूटी हुई खिड़की को देखना पसंद नहीं करता। इस सेंटेंस में अगर आप मुझसे पूछेंगे डू क्या है, तो मैं आपसे कहता हूं कि डू एक हेल्पिंग वर्ब है। फिर आप कहते हैं कि लाइक मतलब पसंद करना, ये भी तो एक वर्ब है, तो ये कौन सी वर्ब है? क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये है एक मेन वर्ब। या फिर इस सेंटेंस में अगर आप पूछें कि लाइक का यूज क्या एक लिंकिंग या कॉपुलर वर्ब की तरह हुआ है, तो मैं आपसे कहता हूं कि हां, यहां पर
लाइक एक कॉपुलर वर्ब है, लेकिन ये एक डायनेमिक वर्ब नहीं है बल्कि एक स्टेटिव वर्ब है, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये एक रेगुलर वर्ब है, इरेगुलर नहीं है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव नहीं है। अभी आप सिर्फ मेरे को ध्यान से सुनते जाइए, अभी हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं सी की। देखिए सी की बात करें तो ये मेन वर्ब इस सेंटेंस में नहीं है। ये कौन सी वर्ब है? ये नॉन फाइनाइट कैटेगरी की इंफिनिटिव फॉर्म वर्ब है। ब्रोकन ये यहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब है और ब्रोकन नॉन फाइनाइट की पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब है। ठीक इसी तरह से दूसरे सेंटेंस में ही रोट इंटेलिजेंटली और ही अपीयर्स इंटेलिजेंट। यहां पर राइट, ये राइट की सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। उसने लिखा, इंटेलिजेंट तरीके से लिखा, इंटेलिजेंटली, ये एक एडवर्ब है जैसा कि आप जानते हैं। और यहां पर अगर आप देखें राइट की बात करते हैं, ये यहां पर मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ये नहीं है। क्या ये कॉपुलर वर्ब है? नहीं है। क्या ये स्टेटिव है? नहीं है। ये डायनेमिक है? हाँ, ये डायनेमिक वर्ब है, एक्शन वर्ब है। क्या ये मॉडल है? नहीं। क्या ये रेगुलर है? तो ये रेगुलर नहीं बल्कि इरेगुलर वर्ब है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आगे आपको समझ में आएगा। क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है? हाँ, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है? तो ये एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक इसी तरह से यहां पर अपीयर, अपीयर के साथ में ये अप्लाई नहीं होता है। अपीयर एक कॉपुलर वर्ब है। क्यों है ये कॉपुलर वर्ब, ये आप जानेंगे। ठीक इसी तरह से तीसरा सेंटेंस देखिए, विंडो इज ब्रोकन, खिड़की टूटी हुई है या खिड़की तोड़ी जाती है। दोनों सेंस में इस सेंटेंस का यूज किया जाता है। डाउट क्लियरिंग सेशन नंबर वन में, वीडियो नंबर वन में मैंने आपको इस बात को बताया था। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर आप इस सेंटेंस का सेंस ये समझें कि खिड़की टूटी हुई है, तो इस सेंटेंस में इज का यूज एक लिंकिंग वर्ब की तरह हुआ है, लिंकिंग या कॉपुलर वर्ब। लेकिन अगर इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव समझें, खिड़की को तोड़ा जाता है, अगर उस सेंस में आप बोलें, तो यहां पर इज का यूज एक हेल्पिंग वर्ब की तरह हुआ है और ब्रोकन का यूज नॉन फाइनाइट वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म के रूप में हुआ है। इसी तरह से आप देखिए अगला पॉइंट, यहां पर आपके सामने तीन वर्ब्स हैं। इसके आगे लिखा है वीआई, इसके आगे लिखा है VT, इसके आगे लिखा है VTI। कभी आपने डिक्शनरी में देखा है कि अगर कोई वर्ब लिखी है उसके आगे लिखा होता है या तो VI या VT या फिर VTI। ऐसा क्यों लिखा होता है? यह है VI, दैट स्टैंड्स फॉर वर्ब इंट्रांजिटिव। पुश, ये कैसी वर्ब है? वर्ब ट्रांजिटिव। बर्न, ये कैसी वर्ब है? वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। यानी इस वर्ब का यूज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से किया जा सकता है। अब देखिए अगला सेंटेंस आपके सामने है, आई हैव थ्री ब्रदर्स, मेरे तीन भाई हैं। यहां पर हैव का यूज एक स्टेटिव वर्ब की तरह हो रहा है और दूसरे सेंटेंस में आई एम हैविंग अ गुड डे, यहां पर हैव का यूज स्टेटिव नहीं बल्कि कॉपुलर वर्ब की तरह हो रहा है, इसीलिए इसके साथ में आईएनजी का यूज किया जाता है। तो कई बार इंग्लिश लर्नर्स मुझे ये कहते हैं कि हैव, चूंकि ये एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेट वर्ब है, इसके साथ आईएनजी का यूज नहीं किया जा सकता। ये बात सही है, लेकिन तब जब हैव का यूज एक स्टेट वर्ब की तरह हो। लेकिन यहां पर हैव का यूज स्टेट वर्ब नहीं बल्कि कॉपुलर वर्ब की तरह हो रहा है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि किसी सेंटेंस में वर्ब किस कैटेगरी की है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ग्रामर रूल्स वहां पर अप्लाई होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स की। लेकिन यहां पर ये पार्ट वन है और यहां पर हम बात करेंगे इन चार कैटेगरीज की, और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे नीचे की चार कैटेगरीज की। शुरुआत करने से पहले, सबसे पहले मैं आपके सामने एक चार्ट रखता हूं। इस चार्ट में तीन वर्ब्स हैं, बी, हैव और डू। सबसे पहले देखिए टू बी, टू बी वर्ब्स के वीडियो लेक्चर में मैंने इस बात को आपको बताया था कि इसकी इन्फिनिटिव फॉर्म है टू बी, प्रेजेंट फॉर्म है इज एम आर। देखिए कितना अलग सा है, कभी देख के लगता ही नहीं है कि ये बी से बनी है, लेकिन यही फैक्ट है। और इसीलिए इन वर्ब्स को इरेगुलर वर्ब्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी फॉर्म्स बिल्कुल अलग दिखती हैं। प्रेजेंट फॉर्म है इज एम आर, पास्ट फॉर्म है वॉज वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल है बीन, और फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है बीइंग। इसी तरह से हैव का इन्फिनिटिव फॉर्म है टू हैव,
प्रेजेंट फॉर्म हैज या हैव, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज करते हैं हैज का, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आप यूज करते हैं हैव। पास्ट फॉर्म है हैड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी है हैड, और प्रेजेंट पार्टिसिपल हैविंग। इसी तरह से डू जिसका मतलब है करना, बी का मतलब होना, हैव का मतलब पास होना, और डू का मतलब करना। टू डू इन्फिनेटिव फॉर्म, डू या डज का यूज प्रेजेंट फॉर्म में, डिड का यूज पास्ट फॉर्म में, डन का यूज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, और डूइंग का यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसका यूज आप एज अ जेरंड भी करते हैं। इन चार्ट्स को बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब वर्ब्स के बारे में हम समझ रहे हैं तो मैं बीच में अगर आपसे कहूंगा कि बी की प्रेजेंट फॉर्म है ये, तो आप समझ पाएंगे कि इज एम आर की बात हो रही है, बी की पास्ट फॉर्म वॉज की बात हो रही है, हैव की पास्ट फॉर्म हैड की बात हो रही है, या डू की पास्ट फॉर्म डिड की बात हो रही है। अब बात करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक की, जो कि है मेन वर्ब। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब क्या होती है, और मेन वर्ब को ही लेक्सिकल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के नाम से जाना जाता है। तो नाम में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, उस सेंटेंस में जो भी मेन वर्ब है उसे आप लेक्सिकल या प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए सेंटेंसेस आपके सामने हैं। सबसे पहला सेंटेंस, ही इज माय फ्रेंड। आप में से कितने स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि ही ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद बचा हुआ सारा पार्ट जिसमें वर्ब भी है और बाकी ऑब्जेक्टिव पार्ट जो कॉम्प्लीमेंट है, चाहे ऑब्जेक्टिव पार्ट है ऑब्जेक्ट है, ये सारा पार्ट कहलाता है प्रेडिकेट। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको आप नोट कर सकते हैं, सब्जेक्ट और बाकी का सारा पार्ट प्रेडिकेट। इसी तरह से पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्टिव पार्ट में या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, या प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, या फिर अगर कॉम्प्लीमेंट होता है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। यूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उस वीडियो लेक्चर को देखा है, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। यहां पर मैं इतना डिटेल में सेंटेंसेस के नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मेरा फोकस है वो है वर्ब्स। पहले सेंटेंस में वो मेरा दोस्त है, यहां पर जो मेरी वर्ब है वो है इज, केवल इज, यहां पर और कोई वर्ब नहीं है। तो ये जो है यही मेरी मेन वर्ब है। अभी हमारा फोकस केवल मेन वर्ब पे है, तो आप देखिए दूसरे सेंटेंस में ही इज प्लेइंग द गिटार, वो गिटार बजा रहा है। यहां पर बजाना ये मेरी मेन वर्ब है। अगर किसी सेंटेंस में एक्शन वर्ब हुई, एक्शन यानी जहां पर सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा हो, जैसे गिटार बजाना, बजाना एक काम है, तो एक्शन वर्ब अगर हुई तो वो एक्शन वर्ब ही कहलाती है मेरी मेन वर्ब। तो यहां पर तो देखिए इज है मेरी मेन वर्ब। इज क्या है, ये बी की प्रेजेंट फॉर्म है, ये है मेरी मेन वर्ब। यहां पर प्ले, ये है मेरी मेन वर्ब। तीसरे सेंटेंस में आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। यहां पर मैं हूं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को किए जाने के बारे में नहीं बताया गया है, इसलिए इस सेंटेंस में जो है ये है मेरी मेन वर्ब। अगले सेंटेंस में अगर आप देखें, आई हैव प्लेड द गिटार, इस सेंटेंस में मेरी एक्शन वर्ब है प्ले, तो इसलिए ये है मेरी मेन वर्ब। और यहां पर है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूं, फिलहाल मेन वर्ब्स पे फोकस है। ये मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब। यहां पर देखिए अनिल इज प्लेइंग फुटबॉल, यहां पर खेलने की बात हो रही है, यहां पर बजाने की बात थी, यहां पर खेलने की बात है, लेकिन प्ले का मतलब बजाना भी है और खेलना भी है, तो ये एक एक्शन वर्ब है, यही है मेरी मेन वर्ब। रोहित हैज किक्ड द फुटबॉल, रोहित फुटबॉल किक कर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, किक की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, ये मेरी एक्शन वर्ब है क्योंकि इसमें एक एक्शन है, तो ये मेरी मेन वर्ब है। अगला सेंटेंस देखिए, ही डज इट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। अगर आप ध्यान दें, अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि डज यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि डू का यूज एक मेन वर्ब की तरह और एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी होता है, तो अगर आप ध्यान दें, डू का मतलब है करना। अगर मैं कहता हूं वो जाता है तो मैं कहता ही गोज, अगर मैं कहता हूं कि वो करता है ही डज। डू मतलब करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस का यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, वो ये करता है। यहां पर डज ये प्रेजेंट फॉर्म है डू की, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये है मेरी
मेन वर्ब। लेकिन इस सेंटेंस में अगर आप देखें, ही डज नॉट गो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। ये है मेरी एक्शन वर्ब, मेन वर्ब, जाना, जाना एक काम है, मेन वर्ब है, गो है मेरी मेन वर्ब, लेकिन यहां पर ये डज, ये है मेरी हेल्पिंग वर्ब। फिलहाल इसके बारे में थोड़ी देर में बताता हूं आपको। अब देखिए, इन सेंटेंसेस में आपने मेन वर्ब्स के बारे में जाना, He got angry, वो गुस्सा हो गया, गुस्सा होना, होना, होने के लिए get का यूज किया जाता है, past indefinite tense का sentence है, वो गुस्सा हो गया, ये होना, ये भी तो एक verb है, तभी तो इसकी forms होती हैं, get, got या gotten, third form, और participle form, present participle getting, यहाँ पर ये है मेरी main verb, श्वेता बिकेम अ डॉक्टर, श्वेता डॉक्टर बन गई, बनना, ये भी एक वर्ब है, ये मेरी मेन वर्ब है। आई एम फीलिंग गुड, मैं महसूस कर रहा हूं अच्छा, मैं अच्छा फील कर रहा हूं, फील करना, ये भी एक वर्ब है, ये यहां पर मेन वर्ब है। तो इस तरह से सेंटेंसेस में आपने ये जाना कि कौन सी मेन वर्ब्स हैं। अब देखिए, पहले सेंटेंस में मैंने आपको बताया ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, यही मेरी मेन वर्ब है। दूसरे सेंटेंस में लेकिन अगर आप देखें, मैंने कहा कि प्ले मेरी मेन वर्ब है, तो यहां पर इज क्या है, यहां पर अगर आप ध्यान दें, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम को, सब्जेक्ट ही क्या काम कर रहा है, बजाने का, गिटार बजाने का, तो सब्जेक्ट जिस काम को परफॉर्म कर रहा है, उस काम को वो प्रेजेंट में परफॉर्म कर रहा है, पास्ट में या फ्यूचर में, इस बात को बताने के लिए जो वर्ब यूज की गई है वो हेल्प कर रही है ये बताने में कि किस स्टेट में है ये, इसलिए ये वर्ब कहलाती है मेरी हेल्पिंग वर्ब, जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक इसी तरह से थोड़ा और समझें, मैंने यहां पर कहा मेरे पास एक पेन है, इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में मैंने कहा आई हैव प्लेड द गिटार, मैं गिटार बजा चुका हूं, बजाने का काम किया जा चुका है, बजाने का काम कब किया गया, प्रेजेंट में या पास्ट में, हैव का यूज करके मैंने बताया कि ये काम प्रेजेंट स्टेट में किया गया है, इसलिए हैव ये है मेरी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसकी मदद से, इसकी हेल्प से मैं ये बता पा रहा हूं कि सब्जेक्ट ने इस काम को, बजाने के काम को प्रेजेंट में परफॉर्म किया है। तो जो वर्ब्स हेल्प करती हैं सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम को बताने में कि वो किस स्टेट में किया गया, वो वर्ब्स कहलाती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फिर ये वर्ब्स क्या हैं? मैंने ये तो बताया कि ये मेन वर्ब्स हैं, लेकिन ये अगर हेल्पिंग वर्ब्स की कैटेगरी की वर्ब्स नहीं है तो किस कैटेगरी की वर्ब्स हैं? तो ये और ये, इज और हैव, इन दोनों सेंटेंसेस में लिंकिंग वर्ब है, सिर्फ लिंक कर रही है सब्जेक्ट को किसके साथ में, ऑब्जेक्टिव पार्ट के साथ में। तो होता यह है कि लिंकिंग वर्ब या तो सब्जेक्ट को किसी एडजेक्टिव के साथ में लिंक करती है या किसी नाउन के साथ। यहां पर पेन और फ्रेंड दोनों ही नाउन है। निश्चिंत रहिए, इस बात को अभी आप धीरे धीरे समझने लगेंगे। अभी देखिए, अनिल इज प्लेइंग फुटबॉल, इस सेंटेंस में भी यहां पर एक एक्शन है और इसको हेल्प कर रहा है ये स्टेट बताने में, तो इज एक हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर हैज, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। He does it, इस सेंटेंस में तो मैंने आपको बताया कि ये मेन वर्ब है, क्योंकि ये एक्शन हो रहा है तो ये एक्शन वर्ब है, लेकिन यहां पर does का यूज करके आप ये बताते हैं कि प्रेजेंट की आदत की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आदत की बात होती है, वो जाता है, जाना उसकी आदत है, वो जाता है। तो यहां पर does का यूज करके मैंने हेल्प किया सेंटेंस में ये बताने में कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, जाने का काम, वो करता है, करता है। तो यहां पर does का यूज एक हेल्पिंग वर्ब की तरह हुआ है। अब एक और बात समझिए, यहां पर is का यूज करके स्टेट के बारे में बताया, तो is क्या है, स्टेटिव वर्ब। यहां पर is का यूज करके मैंने स्टेट के बारे में बताया कि जो काम हो रहा है उसका स्टेट क्या है, प्रेजेंट है, तो ये क्या है, स्टेटिव वर्ब। हैव प्रेजेंट में स्टेटिव वर्ब, हैव प्रेजेंट में स्टेटिव वर्ब, इज स्टेटिव वर्ब, हैज स्टेटिव वर्ब, क्योंकि स्टेट के बारे में बता रहा है। तो यहां पर इनका यूज स्टेट बताने में किया गया है, इसलिए इनको स्टेटिव वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से, साथ ही साथ स्टेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और साथ ही साथ स्टेटिव वर्ब। डिफरेंस अभी धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। अब देखिए, मेरा अगला सेंटेंस है, ही गॉट एंग्री, वो गुस्सा हो गया। अब इस सेंटेंस में क्या कोई एक्शन वो कर रहा है, क्या वो कोई काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है किसी एक्शन को, नहीं, वो एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो जब वो एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, क्या वो स्टेट की बात हुई? तो देखिए,
जब मैं कहता हूं ही गॉट एंग्री, तो यहां पर अगर आप ध्यान से सोचें, पहले वो गुस्सा नहीं था, वो गुस्सा हो गया। गुस्सा न होना एक स्टेट है और गुस्सा हो जाना दूसरा स्टेट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो गया, तो जब स्टेट में चेंज होता है तो वो स्टेटिव वर्ब नहीं कहलाती। तो ये वर्ब गॉट, ये ना एक्शन वर्ब है ना स्टेट वर्ब। इस बात को अभी हम स्टेटिव और डायनामिक में समझेंगे, लेकिन ये डायनामिक और स्टेटिव दोनों ही नहीं है। ये ना तो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये किसी को हेल्प भी नहीं कर रही है। कोई और वर्ब नहीं है जिसको ये हेल्प कर रही हो, भले ये मेन वर्ब है लेकिन ये हेल्पिंग नहीं है, ना स्टेटिव है ना डायनामिक। तो फिर ये क्या है? ये एक कॉपुलर या लिंकिंग वर्ब है। क्यों मैंने ऐसा कहा, ये बात अभी मैं लिंकिंग वर्ब में आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ श्वेता डॉक्टर बन गई, पहले श्वेता डॉक्टर नहीं थी। न होना एक स्टेट है और होना एक स्टेट, स्टेट यानी सिचुएशन। देखिए, वो नहीं थी और अब वो हो गई। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब वो मूव हुई है, बिकेम का यूज करके आपने बताया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, तो ये भी स्टेटिव नहीं है, क्योंकि स्टेटिव होता तो एक ही स्टेट की बात हुई, यहां पर दो स्टेट की बात हो गई। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव होना, ये एक कॉपुलर वर्ब है, क्योंकि ये हेल्पिंग भी नहीं है, हेल्पिंग भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसी वर्ब नहीं है जिसको ये हेल्प कर रही हो। ठीक इसी तरह से मैं कहता हूं आई एम फीलिंग गुड, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। यहां पर क्या मैं कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं, एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा हूं। लेकिन यहां पर ये स्टेटिव वर्ब भी नहीं है, स्टेट नहीं है ये, क्योंकि फीलिंग गुड, पहले मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था, अब मैं अच्छा फील कर रहा हूं। न करना एक स्टेट है, करना दूसरा स्टेट, महसूस करना दूसरा स्टेट। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव हुआ, ये स्टेटिव नहीं है, नहीं कोई एक्शन है, तो ये कॉपुलर है। इस बात को भी हम कॉपुलर वर्ब में डिस्कस करते हैं। तो कुल मिलाकर एक छोटा सा ओवरव्यू आपने देखा, जहां पर आपको मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब और स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब के बारे में थोड़ा पता चला। आइए बात करते हैं स्टेटिव और डायनामिक वर्ब की, उसके बाद बात करेंगे कॉपुलर वर्ब्स की। फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया, स्टेटिव वर्ब्स वो होती हैं जो स्टेट के बारे में बताएं। सब्जेक्ट के बारे में जो बात बताई गई है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। और डायनेमिक वर्ब्स वो हैं जहां पर कोई एक्शन है। अब यहां पर 99% केसेस में अगर मैं कोई वर्ब आपको दूं, तो वो या तो स्टेटिव होगी या फिर डायनेमिक होगी। डायनेमिक कब? जब एक्शन हो। और स्टेटिव कब? जब केवल उसके बारे में प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किस में है बताया गया हो। लेकिन 1%, मैंने कहा 99%, तो 1% कौन सी वर्ब्स हैं? वो कॉपुलर वर्ब्स हैं जो न स्टेटिव होती है न डायनेमिक होती है। हालांकि कॉपुलर वर्ब्स स्टेटिव भी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी 1% ऐसी वर्ब्स होती हैं जो स्टेटिव भी नहीं है, डायनेमिक भी नहीं, लेकिन सिर्फ कॉपुलर है। एक बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है, सभी स्टेटिव वर्ब्स, ऑलमोस्ट सभी स्टेटिव वर्ब्स कॉपुलर वर्ब्स होती हैं, लेकिन सभी कॉपुलर वर्ब्स स्टेटिव वर्ब्स नहीं होती हैं। यानी कुछ ऐसी कॉपुलर वर्ब्स होंगी जो स्टेटिव नहीं होंगी, जैसा मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, गॉट, बिकेम या फील, लेकिन उनके बारे में हम कॉपुलर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहां पर कुछ एग्जांपल्स देते हैं स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब्स के। उससे पहले ये देखें कि स्टेटिव के कुछ एग्जांपल आपके सामने हैं, बी, हैव, ओन, डाउट, लव, हेट और इस तरह से कई और। डायनेमिक, जितनी भी वर्ब्स एक्शन वर्ब्स हैं, जैसे पुश, धक्का देना, वॉक, चलना, ईट, खाना, खाते हुए एक्शन होता है, हिट, मारना, मारते हुए एक्शन हुआ, बीट, पीटना, स्कॉल्ड, डांटना, इन सब में कुछ एक्शन है, ये सब डायनेमिक वर्ब्स हैं। अब देखिए पहला एग्जांपल, ही इज एट होम, वो घर पर है, प्रेजेंट स्टेट में वो घर पर है। घर पर होना तो ठीक है, लेकिन कब है? प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में? इज का यूज किया प्रेजेंट के लिए। ही वॉज एट होम, वो घर पर था, वॉज का यूज किया पास्ट के लिए। वो घर पर होगा, ही विल बी एट होम, फ्यूचर के लिए विल बी का यूज। ठीक इसी तरह से मेरा दूसरा सेंटेंस, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, क्या कोई एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये डायनेमिक नहीं है। यहां पर जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब तो ये है जैसा मैंने शुरुआत में बताया, लेकिन ये कैसी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब, केवल एक स्टेट के बारे में बता रही है। प्रेजेंट स्टेट में उसके पास क्या है? कार है। ही हैड अ कार, ये पास्ट स्टेट है, हैव की पास्ट फॉर्म, और हैव की फ्यूचर फॉर्म विल हैव। He will have a car, उसके पास एक कार होगी फ्यूचर में। तो भविष्य के बारे में, एक स्टेट के बारे में, एक सिचुएशन के बारे में बताया गया, ये एक स्टेटिव वर्ब है।
अब बात करते हैं आई हैव सम मनी, मेरे पास थोड़ा पैसा है। प्रेजेंट में मेरी क्या सिचुएशन है उसके बारे में बताया गया। तो सब्जेक्ट की सिचुएशन प्रेजेंट के बारे में हैव, ये हैव की प्रेजेंट फॉर्म, एक स्टेटिव वर्ब है क्योंकि यहां पर कोई एक्शन नहीं है। ठीक इसी तरह से ही ओन्स हाउस इन दिल्ली, उसके पास दिल्ली में घर है, दिल्ली में घर है, ठीक है, प्रेजेंट में है, ओन के साथ एस का यूज, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, क्योंकि ये वर्ब है। लेकिन कैसी वर्ब है, क्या इस वर्ब में कोई एक्शन है, कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, सिर्फ बताया गया है कि उसके पास है। ओन का यूज आप किसी चीज के पास होने, पजेशन के लिए यूज करते हैं, ये एक स्टेटिव वर्ब है। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में अगर आप देखें आपकी मेन वर्ब कौन सी है, पुश और ईट, पुश धक्का देना, ईट खाना। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी वर्ब मैं आपको दूं जिसमें एक्शन हो रहा हो वो डायनामिक है, और अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो वो स्टेटिव है। लेकिन मैंने कहा 1% ऐसी वर्ब्स हैं जो स्टेटिव भी नहीं हैं, वो कॉपुलर वर्ब्स की कैटेगरी में आती हैं। तो अब डिस्कस करते हैं लिंकिंग या कॉपुलर वर्ब जिनको कहते हैं। शुरुआत करने से पहले एक बात आप यहां पर गौर करिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेटिव वर्ब्स स्टेट के बारे में बताती हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, ठीक उसी तरह से कॉपुलर वर्ब्स भी स्टेट के बारे में बताती हैं। लेकिन इसके अलावा वो 1% केसेस भी हैं जहां पर वो कुछ और भी बताती है। फिलहाल देखिए कॉपुलर वर्ब्स के बारे में अगर डेफिनेशन की बात करें, यू तो सभी वर्ब्स की डेफिनेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। लेकिन लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, टेल्स अबाउट द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बताती है, ठीक उसी तरह से जैसे स्टेटिव वर्ब्स बताती हैं। यानी स्टेटिव वर्ब्स को आप कॉपुलर वर्ब्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन कॉपुलर वर्ब्स में कुछ और भी है। वो क्या है, टेल्स अबाउट द चेंज इन द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में तो बताती हैं, साथ में सब्जेक्ट की स्टेट में अगर कोई चेंज है उस चेंज के बारे में भी बताती हैं। तो उस चेंज के बारे में अगर आपको ध्यान हो, मैंने शुरुआत में आपको गेट का एक एग्जांपल दिया था, आई गॉट एंग्री, बिकम का एग्जांपल दिया था, फील का एग्जांपल दिया था, जहां पर चेंज ऑफ स्टेट था। उस चेंज ऑफ स्टेट को स्टेटिव वर्ब्स नहीं बताती, क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स तो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट या पास्ट स्टेट या फ्यूचर स्टेट को ही बताती है, स्टेट में लिमिटेड रहती है। लेकिन ये वर्ब चेंज ऑफ द स्टेट भी बताती है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, पहले दो एग्जाम्पल्स मैंने स्टेट वर्ब में डिस्कस किए हैं, ही इज एट होम, ही वॉज एट होम, ही विल बी एट होम, ही हैज अ कार, ही हैड अ कार, ही विल हैव अ कार। यहां पर भी बी और हैव दोनों कॉपुलर वर्ब्स की कैटेगरी में आती हैं, और ये बी और है दोनों स्टेट वर्ब्स की भी कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि यहां पर अगर मैं कहूं कि इज क्या है, तो आप कह सकते हैं कि इज एक स्टेटिव वर्ब है और इज एक लिंकिंग यानी कॉपुलर वर्ब भी है। लेकिन अब इस सेंटेंस में अगर आप देखें, तीसरे सेंटेंस में ही अपीयर्स इंटेलिजेंट या ही लुक्स इंटेलिजेंट, इस सेंटेंस में भी किसी एक्शन की बात नहीं हुई, सिर्फ उसके बारे में बताया गया है कि वो दिखने में लगता है कैसा, इंटेलिजेंट। दिखने में लगने को आप अपीयर भी कह सकते हैं, लुक भी कह सकते हैं। तो ये दोनों वर्ब्स चूंकि एक्शन वर्ब्स नहीं है, डायनेमिक नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले बताया डायनेमिक ये नहीं है, तो ये स्टेटिव वर्ब्स की कैटेगरी में रखी जा सकती हैं, और ये वर्ब्स कॉपुलर वर्ब्स की कैटेगरी में भी रखी जा सकती हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट की केवल स्टेट के बारे में बता रही हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस, ही सीम्स सेल्फिश, वो सेल्फिश लगता है। यहां पर लगना, यहां पर दिखने में लगने के लिए अपीयर या लुक, और केवल लगना, लगता है, दिखने में नहीं लगता है वो सेल्फिश, लेकिन लगता है, उसकी बातों से लगता हो या उसके व्यवहार से लगता हो, लेकिन वो सेल्फिश लगता है। यहां पर भी ये एक्शन वर्ब नहीं है, तो इसे स्टेटिव वर्ब या फिर कॉपुलर वर्ब्स की कैटेगरी में रखा जा सकता है। ठीक इसी तरह से इट साउंड्स गुड, ये सुनने में अच्छा लगता है, साउंड का मतलब होता है सुनने में लगना, ये भी एक वर्ब है, इसकी फॉर्म्स हैं साउंड, साउंडेड, साउंडेड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में साउंडिंग। ये वर्ब भी एक्शन वर्ब नहीं है, तो ये स्टेटिव वर्ब और कॉपुलर वर्ब दोनों कैटेगरीज में रखी जा सकती हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं इन सेंटेंसेस की। अगर आप सेंटेंस देखें, यू आर बीइंग रूड, यहां पर बी का यूज हुआ, आप रूड हो रहे हो, आप रूड हो रहे हो। बीइंग के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दो बातें होती हैं, या तो चेंज ऑफ स्टेट या फिर व्यवहार, बिहेवियर। तो वहां पर मैंने इस बात को डिस्कस किया था। फिलहाल यहां पर देखिए, आप, यू आर बीइंग रूड,
आप रूड हो रहे हो, वैसे आप हो नहीं, यानी आपका जो स्टेट है वो रूड नहीं है, लेकिन अब आप रूड हो रहे हो, यानी चेंज ऑफ स्टेट है। तो जब चेंज ऑफ स्टेट है तो आपने बी के साथ आईएनजी का यूज किया। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि बी हैव, ये स्टेटिव वर्ब्स हैं, हालांकि ये स्टेटिव वर्ब्स हैं, अगर आप देखें यहां पर ये क्या है, ये बी की प्रेजेंट फॉर्म है, तो यहां पर एज अ स्टेटिव वर्ब है। यहां पर हैव की फॉर्म है तो ये भी स्टेटिव वर्ब की फॉर्म है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर कॉपुलर वर्ब्स की दूसरी बात जो मैंने कही कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में अगर डिस्कस होगा तो वो एज अ कॉपुलर वर्ब्स है, यहां पर आईएनजी का यूज किया जाता है। अब देखिए अगला सेंटेंस है, आई एम हैविंग अ गुड डे। यू तो हम कहते हैं कि हैव एक स्टेटिव वर्ब है, हालांकि ये बात सही है, जैसा मैंने यहां पर भी बताया स्टेट को प्रेजेंट करता है तो स्टेटिव वर्ब है, लेकिन साथ में कॉपुलर वर्ब भी है और उसकी दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि चेंज ऑफ स्टेट के केस में आप आई एन जी का यूज कर सकते हैं। तो आई एम हैविंग अ गुड डे जब हम कहते हैं तो जो ये बात कहता है, देखिए मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, मान लीजिए आफ्टरनून में आप किसी से पूछें कि आपका दिन कैसा है और वो आपसे कहे कि आई एम हैविंग अ गुड डे, इसका ये मतलब है कि ही इज गोइंग थ्रू अ गुड डे, अब तक का उसका दिन अच्छा चल रहा है। तो ऐसे केस में हैव के साथ आईएनजी का आप यूज कर सकते हैं। हालांकि एक बात मैं और आपसे कहूंगा, जैसे मैं कहता हूं आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, और जब मैं कहता हूं आई एम हैविंग अ कार, यू तो यहां पर हैविंग अ कार, मेरे पास एक कार हो रही है, ऐसा कोई सेंस नहीं है, लेकिन कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में नेटिव्स इस तरह से यूज करते हैं और जैसा वो यूज करते हैं हम उनको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द लीव्स आर टर्निंग येलो, पत्ते पीले हो रहे हैं। देखिए पहले वो हरे थे, हरा होना एक स्टेट है, पीला होना दूसरा स्टेट है, हरे होने से पीले होने के स्टेट में देखिए वो टर्न हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो ऐसे केस में जो ये वर्ड है टर्न, इसका यूज किया जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है, तो उस चेंज के लिए जब आप यूज कर रहे हैं इस वर्ड को तो इसके साथ आईएनजी का आपने यूज किया। ये वर्ब कॉपुलर वर्ब है, लेकिन इस वर्ब को आप स्टेटिव वर्ब नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इस वर्ब का यूज करके आप चेंज ऑफ स्टेट की बात करते हैं और स्टेटिव वर्ब्स में कभी चेंज ऑफ स्टेट नहीं होता, बल्कि सिंगल स्टेट की बात होती है, लिमिटेड होता है स्टेट में, प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट, पास्ट होगा तो पास्ट, फ्यूचर होगा तो फ्यूचर, लेकिन इस केस में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज। तो यहां पर टर्न की जगह गेटिंग का भी यूज किया जाता है, द लीव्स आर गेटिंग येलो। तभी आपने अक्सर सुना होगा जैसे आप बूढ़े हो रहे हो, यू आर टर्निंग ओल्ड या यू आर गेटिंग ओल्ड। इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक, और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मोडल हेल्पिंग वर्ब्स, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स और फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, पर फिलहाल इस वीडियो लेक्चर को अगर आप ढंग से न समझ पाए हो क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप इसे 2 या 3 बार जरूर देखिएगा, चीजें आपके सामने और क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर एंड गुड बाय।